फ्रेंड्स, बाइक और स्कूटर को बारिश के मौसम में अच्छी कंडीशन में कैसे रखें, इससे रिलेटेड मैं आपको टोटल आज 11 मॉनसून मेंटेनेंस टिप्स के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं सिर्फ बारिश रिलेटेड, जो कि आपको पता होना चाहिए और आपको फॉलो भी करना चाहिए। साथ ही एडिशनली मैं आपको बारिश वाली सर्विसिंग के बारे में भी बताऊंगा, बारिश में अगर आप सर्विसिंग कराओ तो कौन सा आपको वो एडिशनल काम है वो कराना चाहिए, ये सब आपको आज की इस वीडियो से बिल्कुल डिटेल में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और इसी तरह के और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। पहला पॉइंट इन टायर्स जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको दो अलग अलग बातों का ख्याल रखना है। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि अक्सर बारिश में ये होता ही है कि हमारी गाड़ियों के जो टायर है वहाँ पे गीली मिट्टी, जो कीचड़ वगैरह है वो जमा हो जाता है, जो ट्रेड्स होते हैं, जो साइड वॉल होता है वहाँ पे कीचड़ वगैरह जमा हो जाता है। बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं दो तो वहाँ पे वो सूख भी जाता है। तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप उन रोड्स पर चलाते हो जहाँ पे कीचड़ है, गीली मिट्टी वगैरह है, और आपको पता है कि भाई टायर में वो जमा हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दो बातों का अलग से ख्याल रखना है। पहली बात तो ये कि आपको ब्रेकिंग का खास ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि टायर में गिली मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे चक्का स्किड करता एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरी बात, आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि एक दिन में, दो दिन में या रात में जब घर में आओ, वहां पे वापस आने के बाद तो टायर में जो गीली मिट्टी है, जो कीचड़ है, उसे साफ कर लो। ये मेंटेनेंस का काम भी है, साथ ही ये सेफ्टी का भी काम है। दूसरा पॉइंट टच लो ये है बारिश को ध्यान में रखते हुए कि अक्सर क्या होता है कि जब टायर के जो ट्रेड्स है वो घिसे हुए होते हैं, टायर जो बिल्कुल चिकना होता है, टायर बहुत पुराना होता है, तो रोड चूंकि क्या होता है कि बारिश के मौसम में स्लिपरी होता है, वहां पे टायर से रोड ग्रिप बेहतर नहीं मिल पाता है। तो यहां पे आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपको सही कंडीशन वाले टायर को अपनी गाड़ियों में कम से कम बारिश में तो जरूर से यूज करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। तो टायर से आपको इन दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। वैसे कैसे हम लोग चेक करते हैं कि टायर सेफ है कि नहीं है, इसके बारे में चैनल पर डिटेल वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट इन ब्रेक से जुड़ा हुआ है। इसका भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, खास करके बारिश के मौसम में। मैं तो अक्सर आपको कहता ही हूं कि जिस तरह से जल है तो जीवन है, उसी तरह से हमारी गाड़ियों के जो ब्रेक्स है वो सही है तो जीवन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई बारिश के मौसम में खास करके आपके बाइक में, स्कूटर में, चाहे डिस्क ब्रेक हो, ड्रम ब्रेक हो, एक तो इनका जो ब्रेक शू होता है, जो ब्रेक पैड्स होता है, उनका कंडीशन जरूर से आप चेक कराना। चाहे आप सर्विसिंग करा रहे हो नहीं करा रहे हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको जरूर से बारिश आने से पहले, और बारिश तो अब आ ही चुका मौसम, तो बारिश में क्या करना चाहिए कि ब्रेक्स कंडीशन को चेक कराना चाहिए, ब्रेक्स को एडजस्ट कराना चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि अपने ब्रेक्स को बहुत ही ज़्यादा हार्ड सेट करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप ब्रेकिंग करते हैं, खासकर नॉर्मल ब्रेकिंग हो, हार्ड ब्रेकिंग हो, तो वहाँ पे चक्का स्किड करता है। तो ब्रेक्स को चेक करो, ब्रेक्स को एडजस्ट कराओ, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो जो ब्रेक शू है, जो ब्रेक पैड्स है, उन्हें चेंज कर दो। ब्रेक्स का खास ख्याल रखना बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट इन चेन ड्राइव सेट से जुड़ा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर बारिश में जो रोड पे कीचड़ है, जो मिट्टी वगैरह है, उसके वजह से जो हमारा चेन होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। यहाँ पे भी कीचड़ वगैरह अक्सर जमा हो जाता है। मैंने कई वीडियोज़ आपको समझाया है कि जो चेन होते हैं वो हमारी गाड़ियों के, हमारे बाइक के फाइनल ड्राइव यूनिट होते हैं। आप सारी चीज़ों को मेंटेन कर भी लोगे, लेकिन अगर चेन बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो फिर चेन सही से इंजन वाला जो पावर है वो पीछे के चक्के तक नहीं पहुंचा पाता है। इससे माइलेज तो कम होता ही है, साथ ही आपको टॉप स्पीड एक्सेलरेशन का भी इशू होगा। और इन शॉर्ट कहूँ तो अगर चेन इतना ज़्यादा गंदा रहेगा तो उससे क्या होगा कि चेन सेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, आपको बार बार इसे चेंज भी करना पड़ता है। तो खास करके बारिश में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हर 500 किलोमीटर अपने बाइक को चलाने के बाद आपको चेन में ल्यूब डाल देना, और एज पर रिक्वायरमेंट अगर आपको बहुत गंदा दिखाई दे तो इसे क्लीन भी कर देना चाहिए। तो थर्ड, आपको अपने बाइक के चेन को बारिश में अच्छी तरह से, अच्छे कंडीशन में बना के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है लुब्रिकेशन ऑफ लीवर्स, केबल्स एंड अदर मैकेनिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर बारिश के मौसम में ही हमारी गाड़ियों के बहुत सारे से पार्ट्स होते हैं जहाँ पे जंग लग जाता है। रस्टिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है बारिश के मौसम में, तो आपको ध्यान रखना चाहिए खास करके बारिश के मौसम में, चाहे लीवर्स वगैरह हो गया, केबल्स वगैरह हो गया, बाकी के जो मैकेनिज्म है जहाँ पे जंग लगने के चांसेस है, आपको वहाँ पे ल्यूब डाल देना चाहिए। आपका चॉइस, आप किसी भी तरह के ल्यूब का यूज कर सकते हो, लेकिन गाड़ियों के इन पार्ट्स के प्रॉपर पर फंक्शनिंग के लिए और जंग से प्रोटेक्शन के लिए जरूरी हो जाता है कि बाकी के मौसम में भले ध्यान तो नहीं दो, लेकिन अक्सर बारिश में क्या होता है कि लगातार हमारी जो बाइक्स वगैरह है वो बारिश में भींगती रहती है, तो इन पार्ट्स में रस्टिंग भी होता है, ये पार्ट्स जाम भी हो जाते हैं, इन पार्ट्स में जंग भी लगता है, तो आप जरूर से इन्हें लुब्रिकेट करके रखें।
नेक्स्ट पॉइंट इन फ्यूल टैंक के लीकेज के ऊपर में, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे लीकेज होता है और बारिश में जब बाइक लंबे समय तक पार्क होती है या नॉर्मल हम राइडिंग भी कर रहे हैं वहाँ पे कई बार होता है कि पानी लीकेज के वजह से टैंक के अंदर में चला जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर से चेक कर लेना, अगर बारिश का मौसम आ चुका है आपकी गाड़ी के टैंक में अगर लीकेज वगैरह है आपको पता चल गया तो आप उसे ज़रूर से एडजस्ट करा ले, उसे ठीक करा ले या टैंक का जो कैप वगैरह है उसे चेंज करा ले। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पानी टैंक के अंदर में जाएगा तो आप सबको पता होगा भाई, इतने लंबे समय तक आप मुझे फॉलो कर रहे हो कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इंजन का रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट टैंक का भी आपको खास ख्याल रखना है, कैप का यहाँ पे, और लीकेज अगर है तो उसे ठीक करा लेना है। नेक्स्ट पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके बारिश के मौसम में कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है ये सही से काम करने चाहिए। क्योंकि रोड पे विजिबिलिटी कई बार बारिश के मौसम में कम होता है, बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा होता है कि उनका जो हेडलाइट वगैरह हो गया, जो इंडिकेटर्स वगैरह हो गया, वो लंबे समय से काम नहीं करते। देखो बाकी के मौसम में भले थोड़ा कम प्रॉब्लम करे लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो हमारे हॉर्न वगैरह है, ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देखो बारिश आ का तो आपकी गाड़ी का हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सही कंडीशन में होना चाहिए। हेडलाइट हो गया, टेल लाइट हो गया, ब्रेक लाइट हो गया, इसके अलावा जो इंडिकेटर्स हो गया, ये सही से काम करने चाहिए। तो अगर ये काम नहीं कर रहे, बारिश आ चुका, आप इन्हें भी चेक कराओ, सर्विसिंग भले नहीं करा रहे हो अभी लेकिन इन्हें सही कंडीशन में ले आओ, इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इन्हें भी सेट चेक करा लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पार्किंग से जुड़ा हुआ, मेरे साथ मेरे बाइक में हो इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ बारिश में क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बार एंड वेट है, यहाँ पे आप देखो बारिश का पानी, चूंकि इसमें मैंने स्टैंड नहीं दिया गया है, साइड स्टैंड में ही लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे आपको जंग लगा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ अभी आपको पानी भी यहाँ पे जमा हुआ दिखाई दे रहा है, ये मेरे बाइक में हुआ, यहाँ पे जंग लग गया। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे आकर देख लो कि जो हमारा ये देखो ब्रेक फ्लूइड का जो रिजर्वायर होता है, इसका जो हमारा स्क्रू है, यहाँ पे अभी आपको जंग लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अक्सर ये हो ही जाता है कि बारिश के मौसम में जब हम लोग लंबे समय तक पार्क कर देते हैं, बारिश लगातार होती जा रही है, तो वहाँ पे दिक्कत देखने को मिलता है। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे पानी जमा हो जाता है और फिर वो अगर नहीं निकला तो वहाँ पे जंग लग जाता है। तो यहाँ पे आपको दो काम करना, कोशिश करना अगर पॉसिबल है तो बारिश में अपनी गाड़ियों को क्या करो, शेड में किसी बिल्डिंग के नीचे या ऐसी जगह पार्क करो जहाँ पे डायरेक्ट बारिश का पानी अपनी गाड़ियों में नहीं पड़े। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो क्या करें, तो फिर कोशिश करना कि अगर लंबे समय तक पानी जो है हमारी गाड़ियों में पड़ रही है तो उसके बाद आप क्या करो, थोड़ा कपड़ा वगैरह लेके इसे साफ कर दो ताकि लंबे समय तक जो पानी है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में जाके जमा नहीं रहे और उससे जंग क्रिएट नहीं हो। तो पार्किंग का आपको अपने खास ख्याल रखना है बारिश के मौसम में। नेक्स्ट पॉइंट एयर फिल्टर से जुड़ा हुआ है, बहुत से लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे कि भाई एयर फिल्टर का बारिश में क्या लेने देना। तो देखो बारिश में क्या होता है कि अक्सर हवा में मॉइस्चर होता प्रेजेंट, तो ऐसे में जब इंजन के अंदर में हवा जाता है तो ये जो हवा है वो हमारी गाड़ियों का जो एयर फिल्टर है उसे बहुत बार जल्दी जाम कर देता है। और अगर एयर फिल्टर क्लॉग्ड होगा, जाम होगा, गंदा होगा तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि फिर आपको इंजन से परफॉर्मेंस, माइलेज, पावर आउटपुट, हर एक तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि बारिश में आप अपनी गाड़ियों का जो एयर फिल्टर है उसे भी चेक कराए, सही कंडीशन में रखें, सही टाइम पर उसे चेंज करा दे। अगर लंबे समय से चेंज नहीं कराए तो चेंज करना भी समझदारी यहाँ पर होने वाला है। बट एयर फिल्टर का भी आपको खास ख्याल रखना और एयर फिल्टर को सही कंडीशन में बारिश के मौसम में रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है बारिश वाली सर्विसिंग, मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते बारिश में, जस्ट आपको कुछ अलग से बातों का ख्याल रखना है। देखो मैकेनिकल जो कंपोनेंट्स है, जो नॉर्मल सर्विसिंग है, वो तो आपको कराना ही है, इंजन ऑयल हो गया, एयर फिल्टर हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, चेन का क्लीनिंग, चेन का एडजस्टमेंट, चेन का लुब्रिकेशन, बाकी जो सारी चीज़ें ब्रेक्स वगैरह, ये सब आपको कराना ही है। लेकिन बारिश वाली सर्विसिंग में यहाँ पर नजदीक आकर दिखा दो, खास ख्याल आपको ये रखना है कि सबसे पहले तो आपको वायरिंग हार्नेस को अपना चेक कराना है। कई बार जो वायरिंग हार्नेस होता है, यहाँ पर हो गया, नीचे साइड हो गया, वहाँ पर कट वगैरह होता है और बारिश में इसके वजह से भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको यहां पे वायरिंग हार्नेस को कंप्लीट चेक कराना है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे बाइक में बैटरी दिया गया, स्कूटर में जो बैटरी दिया गया है, उसका कंडीशन भी चेक कराना, खास कर अगर आपके पास BS6 FI गाड़ी है तो यहां पे बैटरी का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बैटरी का हेल्थ चेकअप होना जरूरी है। साथ ही यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ECU यहां पे होता है, इंजन कंट्रोल यूनिट, तो आपको उसे भी चेक कराना है अगर वहां पे अपडेट वगैरह से अपडेट कराना है। साथ ही मैंने आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में क्या कराना है कि जो बल्ब वगैरह फ्यूज है, जो इंडिकेटर्स हॉर्न काम नहीं कर रहे। इन शॉर्ट इस बारिश वाली सर्विसिंग में आपको लोग मैकेनिक क्या करते हैं कि अक्सर मैकेनिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मोटा मोटी सर्विसिंग कर देते हैं, आपकी गाड़ी को देते हैं। बट आपको खास करके बारिश वाली सर्विसिंग में मैकेनिकल चीजों के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल चीजें आपकी गाड़ी में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह, जो वायरिंग वगैरह, इसका भी खास ख्याल रखना है। तो बारिश वाली सर्विसिंग में आपको ये सारे काम जरूर से करा लेना है।
नेक्स्ट पॉइंट राइडिंग गियर से जुड़ा हुआ। मैं अक्सर आपको रिकमेंड करता हूँ, बारिश के मौसम में भी रिकमेंड करूँगा कि आप राइडिंग के वक्त हेलमेट, जो बेसिक राइडिंग गियर वगैरह हो गया, जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि ग्लव्स वगैरह हो गया, इन सब का यूज़ करें। कई बार क्या होता है कि पानी पड़ने से क्या होता है कि जो ग्लव्स वगैरह नहीं होने से जो हमारा स्किड करने का चांसेस होता है उंगलियों वगैरह में, खैर आप सब समझदार हो, आप सब राइडिंग करता हूँ पता होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप राइडिंग गियर्स का जरूर से यूज़ करें। वैसे जिन राइडिंग गियर्स का मैं यूज़ करता हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उन्हें चेक कर सकते हो, ऑर्डर भी कर सकते हो। फाइनली जो आखिरी पॉइंट है वो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। ये तो आप सबको पता कि अक्सर बारिश के मौसम में ही छोटे बड़े एक्सीडेंट हो ही जाते हैं, ये हमारे कंट्रोल में कई बार नहीं होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी गाड़ियों का, थर्ड पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जरूर से लेकर रखना, ताकि अगर छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट हो जाए, मैं तो नहीं चाहूँगा कि भाई कभी भी हो, बट अगर इन सिचुएशन में हो जाए तो वो इंश्योरेंस आपके काम में आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जरूर से अपनी गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी जहाँ से मर्जी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से मर्जी हो, उसे जरूर से ले ले। तो फ्रेंड्स ये 11 ऐसी चीज़ें, बहुत बेसिक बातें मैंने आपको बताया, जो कि मानसून में अगर आप इनका ख्याल रखोगे तो आपकी गाड़ियाँ जो है वो भी सेफ रहेगी, बिल्कुल सही कंडीशन में रहेगी, साथ ही आपका जो राइडिंग है वो भी सेफ होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।